जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। हमने महाशिवरात्रि का पूजन किया, पर महाशिवरात्रि के बाद अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमें इस पूजन का फल बिल्कुल प्राप्त नहीं हुआ। तो आज बहुत थोड़ा सा समय लेते हुए आपको ज़रूर ये बता देती हूँ कि महाशिवरात्रि के बाद कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए बताती हूँ आपको, लेकिन इससे पहले ये बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। महाशिवरात्रि के बाद अगर आपने जाकर शिव मंदिर में कच्चे दूध से अभिषेक नहीं किया, यानी कि शिवजी के ऊपर आपने कच्चा दूध अर्पित नहीं किया, तो आपको महाशिवरात्रि का करा हुआ पूजन पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। अगर आपने महाशिवरात्रि के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर 5 आटे के दिए, अगर आपने चमेली के तेल के नहीं जलाए, तो आपका महाशिवरात्रि का पूजन पूर्ण नहीं हुआ। महाशिवरात्रि के पूजन के बाद आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ पर लगे हुए नल से थोड़ा सा जल आपको अपने घर ले आना चाहिए, और लाने के बाद आपको उसका छिड़काव अशोक के पत्तों से अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ भी ख़त्म होती हैं और आपके घर में हमेशा सुख शांति और बरकत बनी रहती है। महाशिवरात्रि का पूजन एक बहुत बड़ा पूजन होता है। उस दिन हम अभिषेक करते हैं, एक बहुत बड़ा पुण्य करते हैं। इसके बाद अगर आपने पशुओं को चारा नहीं खिलाया या आपने पशुओं को अन्न नहीं खिलाया, अनाज नहीं खिलाया, तो ये पूजन आपका पूर्ण नहीं माना जाता। अगर इस पूजन के बाद आपने पक्षियों को अन्न नहीं डाला तो ये आपका पूजन पूरा नहीं माना जाता। अगर इस पूजन के बाद आपने किसी ब्राह्मण को कोई वस्त्र या खाने का कोई सामान अगर भेंट नहीं किया तो ये पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। अगर इस पूजन के बाद आपने जाकर बैल को गुड़ नहीं खिलाया तो ये पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। है तो छोटी सी बात, लेकिन शिवरात्रि से होली के बीच में कभी भी आप ये कार्य कर लीजिए तो आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, साथ साथ में आपको शिव परिवार का भी बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद प्राप्त होगा। ज़रूर करिएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, रिश्तों में मजबूती बना के रखिए, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, प्यार लेते रहिए। ख्याल रखिए अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए माँ त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। माँ त्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही हैं। आप अपनी सारथी माँ त्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishla.com पर या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए जुड़ें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।